कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 को इस साल की पहली करोड़पति मिल गई है। इस सीजन में पहली करोड़पति महिला रांची की रहने वाली है। इनका नाम है नाजिया नासिम, जो रांची के डोरंडा इलाके की रहने वाली है। केबीसी के इस एपिसोड का प्रसारण सोनी चैनल पर 11 नवंबर को किया जाएगा। वहीं केबीसी में जीत के बाद रांची पहुंचने पर हुए स्वागत से नाजिया बेहद खुश है और उनका कहना है कि कभी सोचा नहीं था कि अमिताभ बच्चन के साथ बैठूंगी और इतनी बड़ी रकम जीतेंगी। अभी प्रेरणा मिलती है, वो सब यहाँ है अभी। कैसे शुरुआत कैसे हुई? 2000 से ट्राई कर रहे थे केबीसी में, हमेशा ट्राई किया था, तो करते 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 कभी तो पहले होता नहीं था, लेकिन इस बार मौका मिला और उसके बाद फिर एक के बाद एक बात आगे बढ़ती चली गई। पता नहीं चला मुझे कैसे हुआ, बट हो गया। प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ पढ़ा जाती है? मैं DAV शामली की स्टूडेंट रही हूँ, प्लस टू तक वहाँ से पढ़ी हूँ और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया है जूलॉजी ऑनर्स में। उसके बाद मैं नई दिल्ली चली गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैंने एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है। एक बार और मंत्री जी से मिलिए। अच्छा, एक मिनट, ये कौन सा ऐसा सवाल था जब आप 7 करोड़ को ये कर दिया? वो आपको 11 तारीख को आप देख सकते हैं, बट अभी के लिए वो सस्पेंस है, आप देखिए। मैं अभी आपको सवाल तो एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, बट आप 11 को देखिए तो आपको सवाल। एक मिनट रुकिए ना भाई, अमिताभ बच्चन से मिलने का जो पहला मंत्री उनसे मुलाकात हुई वो लम्हा बताइए। अमिताभ बच्चन जब सेट पे आते हैं तो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, ऐसा कोई फैनफेयर नहीं है कि बहुत बड़े एक्टर हैं, और काफ़ी सरल हैं और काफ़ी घुल मिल जाते हैं कंटेस्टेंट्स के साथ। और जब वो गेम भी खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी फैमिली का ही कोई आपके साथ खेल रहा हो और आपको काफ़ी सहज और सरल बना देते हैं। तो अमिताभ बच्चन अपने साथ वो एक महानायक वाला ऑरा लेके नहीं आते हैं, वो काफ़ी घुलते मिलते हैं आपसे और आपको काफ़ी इंस्पायर करते हैं आगे खेलने के लिए और संयम से खेलने के लिए। 1 करोड़ रुपया किसको दीजिएगा? अभी तो मिले नहीं है, अभी सोच रहे काफी लोग हैं। वही विजेता बनने के बाद दिल्ली से रांची पहुंची नाजिया नसीम का रांची एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी एयरपोर्ट पर नाजिया और उसके परिवार से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।